राम राम जी सारे उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो यो उन्होंने लिया था अचार, यो मिर्च का अचार लिया था और ये मीठा नींबू लिया था। तो मैं इन्होंने डिब्बा में डाल देती हूँ, फिर इसमें डाल देती हूँ मिर्च का अचार, क्योंकि एक में करूँगी तो फिर हस्बैंड जी गुस्सा करेंगे। तो ये सारा मिक्स कर दिया है, इसमें रह रहा फाड़ का, इसमें सारा मिक्स है जिसको थोड़ा थोड़ा बच गया था ना, तो सारा एक डिब्बा में डाल दिया था, फिर वो दो दिए थे डिब्बे, तो एक्स्ट्रा में डाल दूँगी, नहीं तो फिर गुस्सा करेंगे खाऊँगे। एक में डाल दिया तो क्योंकि ये गाली हुई मेरे से, वो अपने लिए लेते हैं, हमने अम्मी तो नहीं खा तो लेते, जो ताज़ी ताज़ी नया नया चाल है तब तब खाते हैं, फिर है ना पुराना आया पास मन नहीं करता खाने का। तो इसमें मैंने डाल दी है मिर्च सारी, तो कहीं भाई ये बस मैं पूछ देती हूँ इसको मैं। उनकी मिर्च मैंने डाल अलग से करती है और ये है उसका, तो और ये मीठा नींबू का डाल देती हूँ, इसका तो अलग से ही लगाऊंगी, अलग से ही डिब्बा लेंगे, क्योंकि इसमें बचा हुआ पुराना अचार, तो मीठा नींबू अलग से डालूंगी, इसको यही रख देती हूँ, क्योंकि देखना पड़ेगा। अब सारे डिब्बे जो जिसमें अचार था, थोड़ा थोड़ा अचार था, वो सारे दो रखे हैं, और इसमें एक में अचार कर दिया था कि अलग कर दी, तो अब आगे दिखाती हूँ मैं और काम। पहले मम्मी को दे देती हूँ रोटी, तो भी मम्मी की रोटी डाल देती हूँ एक बार, सब तैयार जाएगी ले सकती हूँ आज। और आप बताओ कैसे हैं, सब सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। एक बार मैं उन्होंने रोटी खाना दे देती हूँ, तो थोड़ा सा गोसा देती हूँ, क्योंकि थोड़े चने ऐसे थे ना, तो थोड़ा सा बोत दे सब्जी को, थोड़ा देती हूँ। देखो अच्छी सी होगी अब, तो भी मम्मी को एक बार रोटी दी आती हूँ मैं, सब देती हूँ। तो भी मेरा खाना खुना हो चुका है, मैं सारे बर्तन एक्स्ट्रा के इसमें रख देती हूँ और सब्जी निकाल देती हूँ कटोरी में, जो थोड़ी सी बची है तो सब्जी देखती हूँ मैं, कोई रास खाली है तो इसमें निकाल दूँ सब्जी, बाकी की साफ हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा सब्जी है ना वो निकाल दिया करूँ मैं, क्योंकि सारा न खा ले और कुकर साफ हो जाएगा, क्योंकि कुकर फिर हम लोग रसोई में नहीं रखा करा, हाँ साफ हो जाएगा, तो फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी गर्म हो, ठंड होने के बाद फ्रिज में रख दूंगी। और इसमें हल्की लस्सी बच गई, इसमें थोड़ी सी ज्यादा खट्टी हो रही है, ये डोली खाली हो जाएगी, ये बड़ी है डोली, इसमें भी नहीं मैं रोटी में डालूंगी, एक ऐसा ही है बचा है लस्सी का, रोटी में डाल देंगे मैं ये लस्सी बस, क्योंकि छोटे से छोटा बर्तन मैं डाल रहा हूँ, ये सारे बर्तन है ना साफ हो जाएंगे, इनको साइड में रख देती हूँ, फिर बाद में फ्रिज में रख दूंगी जो मेरे एक्स्ट्रा की खाना खुना हमने खा लिया है। ये डोली डोली बहुत सारी हो जावा है, इनकी डोली हो जावा है, तो कटोर दाल का ढक्कन पता नहीं कहाँ, ये कटोर दाल का ढक्कन है, तो रोटी हमने खा खोली, इसको यहाँ रख देती हूँ, सारी डिब्बे डब्बे फिर सेट कर ली, एक बार सारे बर्तन निकाल देती हूँ, रसोई में जो एक्स्ट्रा सारी जगह हो जाएगी इसमें, तो थोड़ा ये दूध था लड्डू पल का इसमें रख दिया,
त्यसको उयो फ्याँक्यौँ पनि कुरो खाती भएर बहुत सारी चीजें जो मैंने फ्रिज में रखनी है वो बाद में रखूंगा फ्रिज में। कपड़ा भी अच्छे से रख देती हूँ पीछे जैसा देती हूँ कभी स्लेब साफ कर देते हैं कपड़े के साथ, सारा खून चानी चाहिए जाऊगा। स्लेब सारा घेरा हो गया है साफ। ये इस पे रख देती हूँ, ये प्याज और आलू इस पे रख देती हूँ, ये गिरट जा है इस पर तो झाड़ू ले आती हूँ। दूध को फ्रिज में रखती हूँ। तो आज तो थोड़ा हार्ड हो गया था रसोई में भी। तो सारा साफ कर दिया मैंने, ये आ रही चूल्हे के सुन रहे इसको साफ कर लेती। तो सारा को झाड़ू लगा कर मका बर्तन साफ कर लूँगी, झाड़ू लगा देती हूँ मैं वो रसोई में भी। वो देखो भाई कीटू कीटू का ट्रैक्टर देख लो कित खेल था, यो यहाँ रख देती हूँ इसको। अब तो वो स्कूल में गया आते ही पूछ लेगा मेरा ट्रैक्टर कित गया। इसमें तो हम रोटी लाटी भी नहीं बनाते तो भी इतना कूड़ा हो जाओ है बहुत ज्यादा। और डस्ट के साथ ये कूड़ा उठा लूंगी इसका, क्योंकि आगे तो मैंने झाड़ू झूड़ू लगा दिया है सारा। कल की सोची थी फिर मखा दूसरी नहीं लगाती मैं, कल लगाऊंगी मैं।
भी बर्तन बर्तन मैंने लगा दिया, इसलिए पप्पू चाबी लगा दिया है और मैं अब रसोई में पप्पू लगा देती हूँ, सारा काम मेरा निपट गया है। खाना पीना सब कुछ हो गया था, ये सबसे बाद में रसोई का ही होता है, ये काम मेरा निपट गया। तो रसोई में पप्पू चाबा ना रह गया, वैसे ये मार देती हूँ।